अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह का आगाज़ हो गया है, गुड मॉर्निंग, और आप लोगों का भी अच्छा दिन गुजरे, मेरा भी। तो काम था थोड़ा बहुत, वो था वो कर लिया है, तो उसके साथ ही इतना ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा सा किया, तक ज़्यादा नहीं हुआ। घर इतना गंदा भी नहीं था। खैर, मैंने किचन अच्छे से साफ़ किया, इसमें कोई शक नहीं है। किचन और फ्रिज मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। तो आगे देखो, फुल डे क्या करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होता है, ये दिन अच्छा साबित होता है। तो मेरी तो दुआ होती है कि जो अगला पल हमारा आए उसमें हज़ारों खुशियां हो, पता चले कि भाई सारी टेंशनें ख़त्म हो गई, सारा कुछ। पर नहीं सुकून वैसे जाके कहते हैं कब्र में ही आता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी का ना असल जो नाम है मेरे ख्याल में वो टफ़ है, टफ़ लाइफ, टफ़ लाइफ वाला। ठीक हो गया ना, चलें देखती हूँ मैं आगे आप लोगों को क्या क्या करती हूँ, क्या क्या नहीं करती। ठीक हो गया जी गाइस, ये है जी, बाज़ार जा रही हूँ। तो खैर हबस बहुत ज़्यादा है, अकेले बाज़ार जाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो माएँ गालियाँ दे रही हैं अपने बच्चों को, अब डांट पड़ी आपको उस बच्चे को डांट पड़ी, बाहर खड़ा हो गया, क्या मम्मा मारे ना मुझे। अकेले बाजार जाना बहुत मुश्किल है, बहुत। गाइस अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश होंगे। तो आज मैं ट्यूशन से आज मम्मा मुझे जल्दी ले आई थी, और मम्मा ने मेरी चीज भी लेके आई थी। चीज को साइड पे रख दो। तो गाइस मैंने आज मम्मा को कहा अगर संडे है ना तो ना आज मैं पता कितने बजे आऊंगी, 1 बजे। अच्छा क्यों? कल भी छुट्टी है हानिया को, संडे संडे है, लेकिन हानिया को यकीन नहीं था आ रहा कि मम्मा को ना, अब स्कूल में 2 छुट्टियां कर दी है ना, तो पहले हानिया को यकीन नहीं था, अब हानिया को ये कल तो संडे का, मम्मा आज हम मस्ती करेंगे माँ बेटी, पक्की बात है। 1 बजे ही सोना है? हाँ। पूरे 1 बजे? एक मिनट। कार्टून फीमल, आहो उसको कार्टून वाली फीमल, कार्टून वाली फिल्म। एक दिन ना हमने रात को हम वॉक करके आए थे, तो हमने ना लाइट बंद की, और ना हमने साथ चीजी भी लेके आए थे, तो उसके साथ हमने ना वो कार्टून देखे, भूत वाले कार्टून थे वो हमने देखे, है ना आनिया? थोड़ी फनी फनी भी थी। हाँ फनी वाली वीडियो थी। अच्छा छुट्टी देखो, छुट्टी कल छुट्टी है, बच्चों के चेहरे की रंगत देखो, खुशी के दिन आ ही गए हानिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दुआ कर तो बड़ी ना ही हो तो बेहतर है, चुप करके अपनी चीज खा। ये जी गाइस मेरी बन गई है, मैं सब्जी लेने गई थी, सब्जी जब मैं लेने गई ना वहाँ पे 100 रुपए की किलो दे रहे थे और 150 की 2 किलो दे रही थी। मैंने बताऊँ क्या किया, मैंने 150 की 2 किलो ले ली, मैंने किलो ये पड़ी है और किलो से कम ये, नहीं किलो से ये ज़्यादा है, ये वाली जी देखिए ना कम है, ज़्यादा है, मैंने फिर थोड़ी सी बना ली, कौन सा कोई ज़्यादा लोग हैं। तो ये लो ये मैंने पकाई, और बाकी देखिए कितनी मैं सियानी हो गई हूँ, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे करना है। तो चलो मैंने कहा इसको वॉश करके अच्छे से रख लेंगे फ्रिज में, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद पका लेंगे, वरना किसी को हाफ किसी को मैं दे दूंगी, नहीं तो फिर मम्मा को दे दूंगी हाफ, मम्मा पका लेगी। हाँ मेरे फायदा नहीं जानने, मेरे तो 50 रुपए के ना दो घरों का सालन बन जाना, उसको वाश करके रखूंगी वरना फिर मम्मा को दे दूंगी, है ना मैं समझदार। मुझे बहुत पसंद है सब्जी, सिर्फ ये वाली हद से ज़्यादा मुझे ये पसंद है। चले जी गाइस, फुल डे की रूटीन तो हमने आपके साथ शेयर कर दी, कहाँ पे गए थे और कहाँ से हम वापस आए, और क्या खाया और क्या पकाया और क्या सारा दिन किया, सही हो गया ना। बहुत सारे लोग कमेंट्स मुझे ना अजीबोगरीब से कर रहे थे, खैर मैं
हर किसी का यहाँ पे ना ना नाम ले सकती हूँ ना मैं कमेंट्स पढ़ के सुना सकती हूँ। ठीक हो गया, लेकिन मैंने बहुत ही सोच समझ के और बहुत बड़ा दिल करके ये मैंने फैसला कर लिया। देखो, किसी को हम ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते। मैंने बड़ी दुख की बात है, मैंने हर ट्राई करके देख लिया, सारा कुछ करके देख लिया, मैंने थाने का मुंह भी देख लिया, मैंने अदालत भी देख ली, मैंने इसके अलावा सिफारिशें करवा के भी देख ली। खैर, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, लेकिन ये बात है कि जिस इंसान ने चेंज होना, जो इंसान ने बदलना होता है, जिस इंसान ने जाना होता है ना, तो उसको हम ज़बरदस्ती नहीं रख सकते। तो मेरा यही है कि ऐसी बगैरतियों से बेहतर है कि फिर तुम अपना चुप करके निकाह कर लो। सही है ना? मैंने बहुत ही टफ वक्त है, बहुत टफ अल्फाज भी मैं बोल रही हूँ, लेकिन ये वाली बगैरतियों से अच्छा है कि बगैर निकाह के जो ले के तुम घूम फिर रहे हो, इससे अच्छा यही है कि भाई तुम चुप करके ना अपना निकाह कर लो। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, मैंने बहुत बहुत कुछ तुम्हें करके देख लिया, लेकिन नहीं, तुम्हें मैं यहाँ पे प्यार की जुबान भी समझा के देख ली, गुस्से वाली भी समझ ली, हर तरह की कोशिश कर ली, अगला पिछला जगा के भी सारा कुछ देख लिया, लेकिन ना मेरे वो किसी काम के नहीं आया। तो इससे अच्छा यही है कि तुम भी चुप करके ना अपना निकाह कर लो। अगर तुमने सोच ही लिया, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ज़मीन और आसमान इधर एक हो जाए, तो सारी दुनिया भी तुम्हें आके रोक ले, मैं ये बताऊं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये वाली बातें बोल 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 के मैं थक गई हूँ, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हो बस इसी से यही है कि अगर तुम्हें यही लगता है तुम अपना निकाह कर सकते हो। मुझे कोई घर नहीं चाहिए, मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए, ठीक हो गया ना? किसी को हम अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं रख सकते, किसी के साथ हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ज़बरदस्ती कोई रिश्ता नहीं निभता, रिश्ता निभते हैं एहसान, आज़ाद करके एक दूसरे को। मियाँ बीवी का रिश्ता होता है भरोसे का, एतमाद का। तो जब वो भरोसा और एतमाद ही इंसान के बीच में नहीं है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक हो गया, बाकी ये है कि तुमने क्या क्या बोल दिया, क्या क्या लोगों को उठा लाए हो, क्या क्या कुछ कर दिया, सही हो गया ना? तो इस वजह से मेरी तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि तुम चुप करके ना अपना निकाह कर लो और अपना घर बसाओ। अल्लाह तुम्हें बाल बच्चे दे, हज़ारों खुशियाँ दे। तो मेरी तो जो मेरा इंसाफ अल्लाह ताला करेगा, अल्लाह ताला को भी पता कि लोग नहीं इंसाफ कर सकते। इंसाफ शुक्र अल्लाह, मैं तो कहती हूँ ऊपर रब की ज़ात है जो इंसान को ना दूसरा इंसाफ देने वाली है, वरना दुनिया तो ये किसी पे राज़ी नहीं है, किसी पे भी नहीं राज़ी, मतलब भी लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं, बहुत बुरी दुनिया, कोई किसी का अपना नहीं है, तो कोई किसी का नहीं है, ठीक है ना? तो इससे बेहतर यही है कि तुम चुप करके अपना जाओ, अपनी शादी कर लो। ये रोज़ सड़कों में लेके घूमना, आगे पीछे हाथ लगाने से बेहतर यही है कि तुम उसके साथ निकाह करो और खुशी के साथ खुशी खुशी अपने साथ और अपने घर में रहो। तो अल्लाह तुम्हें ढेर सारे बच्चे दे। रही बात ये है कि मैंने घर घर भी तुम्हारे साथ ही अच्छा लगता है। अगर तू मैंने अकेले घर पे कब्ज़ा करके क्या करना है? मैं जानूँ, मेरी बेटी जाने, हमारी माँ बेटी के लिए इस दुनिया में कोई तो जगह होगी ना। मैंने तुम्हारे इस घर में नहीं रहना, तुम्हें अपने तुमने क्यों किसी के घर में रहना है, अपना घर छोड़ के चले गए हो। मैंने तो कहते ना किसी पे एहसान नहीं करना चाहिए, मैंने तुम पे एहसान किया था, मैंने तो अपना घर जेवर, मुझे क्या पता था तुमने आने वाले टाइम पे बदल जाना है, एक दो टके की औरत के लिए तुमने बदल जाना, बल्कि दो टके की औरत तो मैं हूँ ना, तक अगर मुझ में होती तुम छोड़ के जाते ही क्यों? सही हो गया ना? तो अल्लाह तुम्हें खुशियाँ दे। अब तुझे बच्चे याद आ गए हैं तो वही मैं दुआ कर रही हूँ, अल्लाह तुम्हें ढेर सारे बच्चे दे और हज़ारों तुझे खुशियाँ दे। मेरा अल्लाह वारिस है और उसके साथ क्या बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलना मैंने बस। तो मेरी बहुत हिम्मत होती है, मैं अपनी बेटी के सामने बहुत हंसी मजाक के साथ खुश रहती हूँ, अपने गम पे मैं मेरे गले में पता नहीं क्या चीज़ है, यहाँ पे ना गला अंदर से मेरा पक गया है, वो ज़्यादा जब बोलूँ ना तो और बहुत
बस मैं पानी पी के आई हूँ। तो इसी के साथ के अपनी वीडियो को एंड करते हैं। मैं तो बात भी भूल गई, बस ये कहानी के सामने उसके साथ भी खुश रहती हूँ, अल्लाह के सामने भी खुश रह कहती हूँ जैसे आपने तकदीर लिखी वैसा ही होना है। और दूसरी बात ये है कि लोग कहते हैं तुमने नेल पॉलिश या क्यों नहीं उतारती। भाई जब वीडियो नहीं पूरी देखनी तो पता कैसी है, नेल पॉलिश नहीं है ये, देखिए बोला था कि हानिया ने ना इस पर अरक लगा दिया है और वो अरक आहिस्ता आहिस्ता उतरेगा, इतना सा रह गया ये देखें, ये आहिस्ता थोड़ा सा रह गया। मुझे खुद बहुत बुरा लगता है, ऐसे नेल बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं, ये नेल पॉलिश नहीं है। कोई कह रहे थे तुम नमाज कैसे पढ़ती हो, नेल पॉलिश के साथ नमाज नहीं होती, ये अरक है ये देखें, ये बहुत एंड पे आ गया, ख़त्म होने वाला है तकरीबन अभी 5-6 दिन लग जाएंगे इसको, सही हो गया ना। तो गौर से देखा करें, नेल पॉलिश इतनी देर नेल पे नहीं रहती। ओके, इसके साथ इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।